नमस्कार दोस्तों, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये टोहाना की हैं, जहां पर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है और पंजाब के किसान टोहाना के अंदर पहुंच चुके हैं, बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और टोहाना के रास्ते ये दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे और यहां पर बॉर्डर पर पुलिस तैनात है जिन्हें टोहाना बॉर्डर पर रोक दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान सलाम मशवरा कर रहे हैं और किसान इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकता बनाकर चलेंगे, यहां से इकट्ठा होकर चलेंगे। बांह जोड़ी हो चुके हैं, देखिए चैन बनाई है उन्होंने, एक दूसरे की बाजू पकड़ी है, हाथ पकड़े हैं और चैन बनाकर ये दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। बॉर्डर पर पहुँचे थे और ये टोहाना होकर दिल्ली जाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की बाजू पकड़ी हुई है, चैन बनाई हुई है और ये बढ़ चुके हैं आगे। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम आप रियल न्यूज़ हरियाणा पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शांतिप्रिय ढंग से चल रहे हैं, किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए पूरे जोश शोर में हैं, आप किसानों को देख सकते हैं, किसान पूरे ज़ोर ज़ोर से 26 जो नवंबर है वो दिल्ली के लिए घोषित किया था कि 26 नवंबर को दिल्ली में धरना दिया जाएगा और उसी को लेकर आज ये 25 तारीख को टोहाना के रास्ते होकर दिल्ली जाने के लिए किसान पंजाब से आए हैं और यहां पर टोहाना के अंदर बैरिकेड लगाए गए हैं। पंजाब से किसी भी किसान को हरियाणा के अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं किसान चैन बनाकर चल रहे हैं और ये दिल्ली के टोहाना से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि किसानों द्वारा नारेबाजी की जा रही है और आप लाइव तस्वीरों में शांतिप्रिय ढंग से किसान जो वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान चैन बनाकर चल रहे हैं और कुरुक्षेत्र अंबाला बॉर्डर पर भी हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोक रखा है जो दिल्ली के अंदर जाने के लिए चढ़ूनी वहां से कुरुक्षेत्र के रास्ते होकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पर बैरिकेड लगाया था। और हम आपको ताज़ा अपडेट दे देते हैं कि वहां पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड हैं, किसानों द्वारा तोड़ दिए गए हैं और चुड़ूनी है जो वो वहाँ के अध्यक्षता कर रहे हैं, वहाँ चुड़ूनी उनके साथ लगकर दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया गया है। और हम आपको अपडेट दे रहे हैं, टोहाना के अंदर भी पंजाब से किसान हैं जो वो टोहाना के रास्ते दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसानों को यहां रोक दिया गया है और यहां पर सलाम मशवरा करके आगे बढ़ेंगे, एकता बनाकर आगे बढ़ेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से किसान हैं जो वो चैन बनाकर चल रहे हैं, शांतिप्रिय ढंग से चल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है और बिल्कुल टोहाना के अंदर वे पहुँच चुके हैं। थोड़ी दूरी पर ही बैरिकेड लगाए गए हैं, टोहाना प्रशासन ने बैरिकेड किया है और प्रशासन मुस्तैद है, यहाँ पर किसी भी किसान को, पंजाब के किसी भी किसान को यहां पर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पंजाब से टोहाना के रास्ते होकर ये किसान जो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड किया गया है और अब किसान हैं यहां रुके हुए हैं। कुछ दूरी पर ही पुलिस प्रशासन, जो टोहाना का पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है और उन्होंने बैरिकेड किया हुआ है, कुछ ही दूरी पर है वो।